अमिलहिम प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर टू आई एम डॉक्टर मोहम्मद इमरान फखरी लेक्चर इन केमिस्ट्री सिंध मुस्लिम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज मिस मिसूबिया मुइन ने मुझे इस लेक्चर को प्रिपेयर करने में हेल्प की है एंड आई वुड लाइक टू एक्नोलेज प्रोफेसर भीम राज प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अमीर शाह प्रोफेसर ज़ियाल आरफी फ्राम सिंध मुस्लिम Government College for their support, and I would like to acknowledge Professor Dr. muhammad zafar Ikbal from Government Nagee Science College for his uh, guidance and support in my career. Experiment number one titration Acid based acid-based titration related object discuss. सो एसिड बेस टाइट्रेशन में फिनोफ्थलिन इंडिकेटर के तौर तो पर इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास दी गिवन ऑब्जेक्ट हैज़ स्ट्रांग बेस और फिनॉफ्थलिन विल अ सूटेबल इंडिकेटर व्हेन वी आर यूजिंग स्ट्रांग बेस तो चले हम अपने आ, पर गौर करते हैं इफ़ द ऑब्जेक्ट गिवन इन आवर प्रैक्टिकल इज और या आपको आपके एग्जाम में आ, ये ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया जाए जिसमें an uh, upon 10 normal solution of n upon 10 solution of sodium hydroxide means 0 0.1 normal solution of sodium hydroxide has been given and you have to find the normality and amount of sulfuric acid in 900 gram sorry 900 centimeter cubes in grams per 900 centimeter cubes सो नॉर्मेलिटी एंड अमाउंट की कैलकुलेशन जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड के लिए परफॉर्म करनी है और जो गिवन सोल्यूशन है वो जीरो पॉइंट वन नॉर्मल सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाउ टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल इसके लिए हमें एप्रेटिस की ज़रूरत पड़ेगी एप्रेटिस uh, जो है हमारे पास वो ब्योरेट पाइपपेट कॉनिकल फ्लास्क और ब्योरेट स्टैंड स्टैंड को हम आयरन स्टैंड भी कह सकते हैं फनल इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐड होती हैं जो हम साथ साथ डिस्कस कर ले करेंगे रिएजेंट जो रिक्वायर्ड होंगे जैसा कि ऑब्जेक्ट मेंशन है एक सोल्यूशन आपको दिया जाएगा एन अपॉइंट नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बॉटल नंबर बी में होगा बी स्टैंड फॉर बेस सो जो भी बेस का सोल्यूशन आपके प्रैक्टिकल्स में अवेलेबल या रिक्वायर्ड होगा वो बॉटल बी में प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो एसिड का सोल्यूशन आपके प्रैक्टिकल में रिक्वायर्ड होगा वो बॉटल ए में आपको दे दिया जाएगा साथ साथ फ़नाफेलिन इंडिकेटर भी लेबॉट्री की बेंच पर होगा जहाँ पर सारे स्टूडेंट जो है वो जाकर के फ़नाफेलिन इंडिकेटर वहाँ से ड्रॉपर की मदद से अपने रिक्वायर्ड जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर सकते हैं एप्रेटिस रिएजेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा वो हमें थ्योरी जो है वो राइट करना होगा कुछ चीज़ें जो है वो हमें ऑब्जेक्ट से पता चल गई कि कौन से एप्रेटिस की ज़रूरत है कौन से रिएजेंट्स हमें प्रोवाइड किए जाएंगे एंड देन थ्योरी जो है वो हम ऑब्जेक्ट को ही देखकर हमें पता चल जाएगा चूँकि जो ट्राइट्रेशन uh, परफॉर्म करनी है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट दैट विल बी इन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसटीसोफोर में सल्फ्योरिक एसिड सो एसिड और बेस के दरम्यान रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कहा जाता है कि वेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इट इज़ नोन टू बी एज दी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और साथ साथ जो है वो हम ये कह सकते हैं कि एच पॉजिटिव आइंस फ्राम द एसिड एंड ओ एच नगेटिव आइंस फ्राम दी बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वाटर और इस रिएक्शन को भी हम इसी तरह से जो है वो इक्वेशन की मदद से समझ लेंगे थ्योरी में अगर हम नोट करें इन द ऑब्जेक्ट दैट द इंडिकेटर दैट शुड बी इन्वॉल्व इंडिकेटर कौन सा हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इन द गिवन ऑब्जेक्ट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है चलें ठीक है लेकिन जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए दैट इज अ स्ट्रोंग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रोंग बेस है सो वी शुड बी यूजिंग फिनॉफलिन और फिन जब भी स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल किया जाएगा विल बी सुटेबल इंडिकेटर कलर जो चेंज ऑब्जर्व करना है तो पिंक कलर। इसी तरह से फिर हम इक्वेशन की बात कर लेते हैं गिवेन ऑब्जेक्ट में सल्फ्योरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइडन है दोनों के दरमियान अगर हम लिखेंगे तो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं सोडियम सल्फेट एंड वॉटर तो so, इस तरह से हम ये कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से एच पॉजिटिव ions मिलेंगे हमें इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड से ओ एच नेगेटिव आइन ये एच पॉजिटिव आइन और ओ एच नेगेटिव आइन आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों फॉर्म करते हैं वाटर और सोडियम और सल्फेट आइन मिलकर सोडियम सल्फेट सॉल्ट फॉर्म कर रहे होते हैं एंड पॉइंट ऑफ द रियक्शन जो है वो किस तरह से ऑब्जर्व करना है एंड पॉइंट ऑफ द रियक्शन ऑब्जर्व वेन दलर चेंजेस फ्राम कलर टू पिंक जब भी हम टाइट्रेशन के प्रोसीजर में ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब ब्यूरिट से हम बेस का सोल्यूशन ऐड करते चले जाएंगे तो एंड पॉइंट उस वक्त ऑब्जर्व होगा जब कॉनिकल फ्लास्क में मौजूद सोल्यूशन कलरलेस से पिंक कलर की तरफ मूव कर रहा होगा लाइट पिंक कलर ऑब्जर्व होगा और हम ब्यूरिट से मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेस ऐड करना बंद कर देंगे अब हम प्रोसीजर की तरफ जो है वो नोट करते हैं प्रोसीजर विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दी प्रैक्टिकल और द एक्सपेरिमेंट वॉशिंग ऑल एस्पेक्ट एपरेटस इज नेसेसरी एंड वी हैव टू वॉश दी एपरेटस विद वाटर और ब्यूरिट को हमने रिंस करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से और पिपिट को हमने रिंस करना है सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन से अच्छा रिन्सिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि टू या थ्री एमल जो है वो हम ब्यूरिट में ऐड करेंगे और उसे सिंक में डिस्कार्ड कर देंगे इसी तरीके से पिपिट आ, को हमने पिपिट आउट करना है सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन और पिपिट आउट करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन को हम क्या करेंगे डिस्कार्ड कर देंगे ठीक है रिएजेंट बॉटल जो एसिड वाला है या बेस वाला है उसी से हमने सोल्यूशन बेस का और एसिड का यूज़ करना है फॉर द रिन्सिंग पर्पज़ अच्छा फिर उसके बाद जब हम रेंस कर लें तो वी हैव टू फिल द ब्योरियड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से हम किस तरह से फिल करेंगे जो हमारे पास बीकर या जो बॉटल uh, मैंशन की जाएगी बी से उस बॉटल बी में हमारे पास बेस का सोल्यूशन होगा और बेस के सोल्यूशन को हम विद द हेल्प ऑफ अ फनल ब्यूरिट में फिल करेंगे फर्स्ट तो रिंसिंग का पर्पज़ होना चाहिए रिंसिंग के पर्पज़ के लिए हम टू थ्री एम एल एड करेंगे ब्यूरिट में और ब्यूरिट के जो है स्टॉप कॉक की मदद से उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे इन टू सिंक फिर उसके बाद जब रिंस हो जाएगा तो स्टॉप कॉक को दोबारा स्टॉप कॉक को दोबारा जो है वो हम क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं और फिर ब्यूरिट के सोल्यूशन सॉरी बेस के सोल्यूशन को ब्यूरिट में जीरो मार्क तक फिल कर लेंगे दिस विल बी द टॉप मार्क विल बी द जीरो मार्क और ब्यूरेट में कम से कम या ओवरऑल 50 ml ऑफ द सॉल्यूशन फिल किया जा सकता है ब्यूरेट को हमने आयरन स्टैंड दिस विल बी द आयरन स्टैंड उसको हम क्लैंप की मदद से आयरन स्टैंड के साथ ब्यूरेट को हैंग कर देंगे इस तरह से हमने ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन फिल कर लेना है यानी बेस का सॉल्यूशन फिल कर लेना है अच्छा साथ साथ जो है वो फिर हमने क्या करना है वी हैव टू पिपेट आउट टेन सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इंटू द कॉनिकल फ्लास्क अब इंटू द क्रॉनिकल फ्लास्क हमने पिपेट की मदद से पिपेट में फ्रॉम जीरो टू टेन जीरो टू टेन मार्क तक जो है वो पिपेट में हमारे पास टेन एम एल सोल्यूशन होता है जीरो मार्क तक हमने पिपेट में विद दी हेल्प ऑफ आवर माउथ और पलंजर उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं टेन एम एल पिपिट आउट कर सकते हैं सोल्यूशन जो एसिड का सोलूशन हमें दिया जाएगा इन दी बॉटल मतलब रिमेंबर दैट इन बॉटल यू हैव गिवन बॉटल ए दी सोल्यूशन ऑफ एसिड उसमें से हम पहले पिपिट आउट करेंगे और फिर जीरो मार्क तक उसे सक करना है या पलिंजर की मदद से जो है वो अपलिफ्ट करना है और फिर इसके बाद उसको हम ऐड कर देंगे कॉनिकल फ्लास्क में कॉनिकल फ्लास्क में एसिड का सोलूशन टेन सेंटीमीटर क्यूब हमने ऐड कर दिया है और फिर उस एसिड के सोलूशन में फिनॉक्सिलीन इंडिकेटर जो हमारी लेबॉर्ट्री की आ, बेंच पर रखा होगा या हमारे लैब असिस्टेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे तो उसकी मदद से ड्रॉपर सॉरी ड्रॉपर की मदद से फिनॉफथलिन जो है वो हम कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर देंगे रिमेंबर दैट जब हम फिनॉफथलिन को कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे उसमें पहले से मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के टेन सेंटीमीटर क्यूब्स का टेन सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का चूँकि फिनोक्लिन जब एसिड के सोल्यूशन में ऐड किया जाएगा तो सोल्यूशन का कलर कैसा रहना चाहिए कलर लेस रहना चाहिए पायलट रीडिंग किस तरह से नोट की जाती है पायलट रीडिंग का पर्पस सिर्फ एक अंदाज़ा लगाना होता है कि हमारा जो बियड का सोल्यूशन है वो कितने एमल इस्तेमाल होगा टू चेंज दी कलर फ्रॉम कलरलेस टू पिंक हमने टेन सेंटीमीटर क्यूब जो है कॉनिकल uh, फ़्लास्क में एसिड फिल कर लिया था और उसमें टू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलिन भी ऐड कर दिया है तो फिनोक्लिन एसिड के कल एसिड के सोल्यूशन में कलरलेस रहता है इसी तरह से जब हम बेस uh, का सोल्यूशन ब्यूरड से ऐड करते चले जाएंगे तो शुरू में जब हम सोलूशन uh, ऐड कर रहे हैं हमारी इनिशियल रीडिंग क्या रहेगी ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एम वॉट इज़ दी प्रोसीजर फॉर दी पायलट रीडिंग पायलट रीडिंग इज टेकन इन अ मैनर बाई रनिंग सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेस सोल्यूशन एट अ टाइम यानी हम जीरो से वन एम एल एड करेंगे फिर देखेंगे कि भाई कॉनिकल फ्लास्क का कलर जो है वो चेंज हुआ या नहीं फिर वन से टू एम एल एड कर देंगे इसी तरीके से टू से थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह से एम एल्स एड करते चले जाएंगे वन वन एम एल्स इन वन टाइम इस तरह से फिर जैसे ही हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जाते हैं सेवन से एट एम एल तक तो सेवन से एट एम के दरमियान हम ये ऑब्जर्व करेंगे सेवन एम तक जो है वो कॉनिकल फ्लास्क का सोल्यूशन क्या था कलरलेस और सेवन से जैसे ही हम ऐट एम पर पहुंचते हैं कॉनिकल फ्लास्क के सोल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा सो एट द टाइम वैन द कलर ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू पिंक तो हमने नोट uh, कर लेना है कि भाई हमारी पायलट रीडिंग बिटवीन सेवन या एट एम ऑब्जर्व हो गई ठीक है इसी तरह से फिर यकीन जो है वो फाइनल रीडिंग जो है वो उस वक्त आएगा जब ऑफ दी सोलूशन कलर लेस से किस में चेंज हो जाएगा colorless से पिंक कलर के सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा अच्छा इसको हम ये कहेंगे कि दिस विल बी आवर पायलट रीडिंग पायलट रीडिंग जो है वो हम सिर्फ अपनी एहतियात के लिए नोट करते हैं कि हमें अंदाजा हो जाए कि हमारी ब्यूरो रीडिंग बिटवीन सेवन या एट एम आने वाली है या इन योर गिवन एक्सपेरिमेंट पायलट uh, रीडिंग की मदद से आप ये अंदाजा लगा लोगे कि आपकी रीडिंग कौन सी आएगी इस सोल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में जो मौजूद है उसे हमने डिस्कार्ड कर देना है। वी कॉनिकल फ्लास्क को जो है दोबारा हम वॉटर से वॉश कर लेंगे Similarly, हम uh, फिर से टेन एम एल सल्फरिक एसिड जो है पेपिट आउट करेंगे इंटू द कॉनिकल फ्लास्क और टू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर जो है वो ऐड कर देंगे और टू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर जैसे ही हम ऐड करेंगे चूंकि कॉनिकल फ़्लास्क में टेन एम एल या टेन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है तो फिनॉफलिन ऐड करने से कॉनिकल फ्लास्क के सोल्यूशन का कलर कलरलेस रहेगा इनिशियल रीडिंग जो है वो हम दोबारा से जीरो पॉइंट जीरो तक मार्क कर लेंगे चूँकि अब हम अपनी ओरिजिनल रीडिंग्स या जो बेरोड रीडिंग्स हैं वो एहतियात से नोट करने वाले हैं पायलट रीडिंग जो है वो हम परफॉर्म कर चुके सो so, पायलट रीडिंग में कुछ बेस जो है वो ब्योरिट से हमने यूज़ कर लिया था उसे दोबारा ज़ीरो तक फिल कर लेना है और ज़ीरो तक फ़िल करने के बाद अब जो हमने टेन एम एल आउट किया है फ़्रेश सोल्यूशन ऑफ़ सल्फ्यूरिक एसिड और टू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफीलिन जिसमें ऐड किया हुआ है उसमें हम जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो इनिशियल रीडिंग से ब्योरिट से बेस के सॉल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करते चले जाएंगे ठीक है आफ्टर द एडिशन ऑफ इंडिकेटर इन टू द कॉनिकल फ्लास्क हम ब्यूरिट के सोल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे और वेन नियर टू द पायलट रीडिंग और जैसे ही हम नियर पहुँचेंगे जैसे सिक्स एम एल या सेवन एम एल तक हमने ऐड कर दिया वन वन एम एल करके जैसे ही हम सिक्स पॉइंट फाइव या सेवन एम एल तक पहुँच चुके तो हमें पता है कि सेवन एम एल के बाद जो है वो कलर

पिंक कलर की तरफ चला जाए जैसे ही सॉल्यूशन कलरलेस से पिंक कलर के सोल्यूशन की तरफ यानी सॉल्यूशन में पिंक कलर ऑब्जर्व होगा तो हमने ब्यूरेट से मज़ीद सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेस के सॉल्यूशन को ऐड करना बंद कर देना है ड्रॉप वाइज ऐड कर दे रहे थे जैसे ही वन और टू ड्रॉप्स से पिंक कलर ऑब्जर्व होगा विद द एडिशन ऑफ वन और टू ड्रॉप वी हैव टू स्टॉप दी सोल्यूशन फ्रॉम दी ब्योरेट स्टॉप कॉक की मदद से हमने उसे स्टॉप कर लेना है अच्छा जैसे पिंक कलर का सोल्यूशन ऑब्जर्व हो जाएगा तो हमने रीडिंग नोट करनी है दैट विल बी आवर फाइनल रीडिंग और फाइनल रीडिंग जो है वो फॉर एग्जांपल हमने नोट uh, करनी है थ्री एक्सपेरिमेंट्स के लिए और वो थ्री एक्सपेरिमेंट्स किस तरह से फिर से हमने क्या करना है कॉर्निकल फ्लास्क के सोल्यूशन uh, को डिस्कार्ड करना है वाटर से जो है वो कॉनिकल फ्लास्क को वॉश करना है और फिर टेन एम एल सल्फोरिक एसिड को दोबारा पेपिट आउट करना है ड्रॉपर की मदद से टू ड्रॉप फिनोक्थिलीन ऐड करने हैं और फिर दोबारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है इस तरह से हमें तीन दफ़ा जो है वो रीडिंग्स नोट करनी हैं और इनिशियल और फाइनल रीडिंग्स जो है वो वहाँ से हम नोट करते चले जाएंगे फॉर थ्री रीडिंग्स अच्छा उन थ्री रीडिंग्स को जो है वो हमें कह सकते हैं उनमें से दो या तीनों ही एटलीस्ट क्या होने चाहिए कनकॉडेंट रीडिंग्स होनी चाहिए यानी सिमिलर रीडिंग होनी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के पर्पस से या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से जैसे ही हमें पता है कि इनिशियल रीडिंग हमारे पास जीरो पॉइंट जीरो एम एल था और जैसे ही पहले एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो जो कलर सोल्यूशन पिंक कलर के सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया था एट दैट टाइम जब ब्यूरिट पर सेवन पॉइंट थ्री एम एल्स तक सोल्यूशन रह गया था तो फाइनल रीडिंग विल बी सेवन पॉइंट थ्री एम एल्स अब हम ऑब्जर्वेशन कॉलम या जो ऑब्जरवेशन है उनको किस तरह से नोट करते हैं ये हम आ, लिखते हैं ऑब्जर्वेशन कॉलम में हमारे पास सीरियल नंबर्स होंगे पहला एक्सपेरिमेंट फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट फिर तीसरा और चौथा नेसेसरी है कि हम तीन रीडिंग्स जो है वो नोट करें उनमें से दो कंकॉर्डेंट रीडिंग आ जाए दैट विल बी सफिशेंट यानी दो सिमिलर रीडिंग्स आ जाए इसी तरीके से हम फोर्थ रीडिंग भी जो है वो नोट कर सकते हैं इनिशियली जब हम पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे टेन एम एल सल्फ्यूरिक एसिड को हमने आ, ट्वेल्व ड्रॉप्स ऑफ फिनाफ्थिलीन ऐड किया तो उस वक्त ब्यूरिड की रीडिंग थी जीरो पॉइंट जीरो जैसे ही कलर चेंज हुआ ब्यूरोड की रीडिंग जो है वो सेवन पॉइंट थ्री एम एल्स आ गई सो द डिफरेंस ऑफ द रीडिंग सेवन पॉइंट थ्री माइनस जीरो पॉइंट जीरो विल बी सेवन पॉइंट थ्री एम एल्स ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड वर यूज टू न्यूट्रलाइज टेन सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इस तरह से हमने ये नोट कर लिया अच्छा जब हम uh, नेक्स्ट टाइम या दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे सो दूसरे एक्सपेरिमेंट में फिर से हमने टेन एम एल सल्फ्योरिक एसिड पर आउट करना है चूँकि प्रीवियस जो रीडिंग थी उसका जो पिंक कलर वाला सोलूशन है वो डिस्कार्ड करना है कॉनिकल फ्लास्क को वाटर से वॉश करना है और फिर उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है उसमें टेन एमल सल्फ्यूरिक एसिड पर आउट करना है टू ड्रॉप्स ऑफ फिनॉफ्थलिन जैसे ही हम उसे फिर से ब्यूरिड से बेस uh, के साथ रिएक्ट करवाएंगे टेन एम एल सल्फ्योरिक एसिड को तो ब्यूरिट पर जो रीडिंग थी ब्यूरिट पर रीडिंग हमारे पास 7.3 पॉइंट थ्री थी दैट विल बी आवर इनिशियल रीडिंग और फिर उसके बाद जो है वो हम ब्यूरिट से आहिस्ता आहिस्ता करके बेस को ऐड करते चले जाएंगे, और कॉनिकल फ्लास्क का सोल्यूशन जो है वो जैसे ही कलर से पिंक कलर आएगा हमें फाइनल रीडिंग नोट करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनल रीडिंग आ जाएगी फोर्टीन पॉइंट सिक्स एम और फिर 14.6 पॉइंट सिक्स एम एल्स विल बी द फाइनल रीडिंग और जो कॉनिकल फास का सोलूशन है वो कलरलेस से पिंक कलर की तरफ चला जाएगा ये हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट या सेकेंड रीडिंग भी हमने नोट कर ली अच्छा सेकेंड जो रीडिंग uh, हमने नोट कर ली इसका मकसद ये है कि जो फाइनल रीडिंग है दैट इज़ अवर फोटीन पॉइंट सिक्स और इनिशियल रीडिंग जब हमने सेकेंड रीडिंग नोट करने के लिए इस्तेमाल किया था तो फाइनल माइनस इनिशियल रीडिंग क्या हो जाएगी दैट विल बी सेवन पॉइंट थ्री एम एल्स इसी तरह से फिर से हमने जो ब्यूरिड जो क्रनिकल फ्लास्क का सोल्यूशन है उसे डिस्कार्ड करना है 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड को पिपिट आउट करना है 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड को पिपिट आउट करेंगे और उससे हम जैसे ही टू ड्रॉप्स फेनाफ्तलिन ऐड करेंगे और फिर ब्यूरिड में मौजूद जो सोल्यूशन है उससे न्यूट्रलाइज करेंगे तो 14.6 पॉइंट सिक्स विल बी द ब्योरिट रीडिंग और वो इनिशियल रीडिंग कहलाएगा ये हमारा थर्ड जो है वो टाइम हम अपनी रीडिंग्स uh, नोट कर रहे हैं अच्छा इनिशियल रीडिंग क्या होगी चूँकि जैसे ही हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ब्यूरिट में फोटीन पॉइंट सिक्स एम एल तक हमारी इनिशियल रीडिंग आ गई अब ब्यूरिट से जो सोल्यूशन ऐड करते चले जाएंगे इन टू द क्रॉनिकल फ्लास्क विच कंटेंस टेन एम एल सल्फेरिक एसिड एंड टू ड्रॉप्स ऑफ फिनॉक्थिलीन ये हमारा तीसरा जो है वो कह लीजिए एक्सपेरिमेंट है या तीसरी दफ़ा हम रीडिंग्स नोट कर रहे हैं अच्छा जैसे ही कलरनेस से सल्यूशन पिंक कलर की तरफ जाएगा हमने फाइनल रीडिंग नोट करनी है से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फाइनल रीडिंग आ जाएगी ट्वेंटी टू फाइनल में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करेंगे तो दैट विल बी 7.4 पॉइंट हमारे पास दो कनकॉर्डेंट रीडिंग आ चुकी हैं 7.3 पॉइंट थ्री so, सो हम ये नोट कर सकते हैं कि जब भी हम 10 एम एल सल्फ्योरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के गिवन सोल्यूशन से तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने एम इस्तेमाल हो रहे हैं 7.3 पॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं सो दिस विल बी अवर कंकॉर्डेंट रीडिंग अगर चाहें तो चौथी रीडिंग भी नोट कर सकते हैं इसी तरह से कि भाई जो कॉनिकल फ्लास्क का सोल्यूशन है जिसका कलर पिंक हो गया उसे डिस्कार्ड करना है वाटर से वॉश करना है उसमें टेन एम एल सल्फोरिक एसड ऐड करना है टू ड्रॉप ऑफ फिनॉफ्थलिन ऐड करना है और जैसे ही हम ब्यूरिट में से अब उस फ्रेश सोल्यूशन में पास करेंगे बेस का सोल्यूशन तो हमारी इनिशियल रीडिंग क्या रहेगी ट्वेंटी टू पॉइंट फोर दिस विल बी आवर सीरियल नंबर फोर अच्छा ये फोर्थ जो है वो हम रीडिंग्स जो है वो नोट कर रहे हैं या चौथा एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो है वो है अच्छा इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्थ रीडिंग जिसे हम चौथा एक्सपेरिमेंट कर कह रहे हैं फोर्थ रीडिंग्स नोट करने के लिए 22.0 इनिशियल रीडिंग हो गई जैसे ही कॉर्निकल फ्लास्क के सोल्यूशन का कलर कलरलेस से पिंक हो जाएगा हमने फाइनल रीडिंग नोट करनी है फाइनल रीडिंग विल बी अवर ट्वेंटी से फॉर एग्ज़ाम्पल

बीरियड रीडिंग्स तो हम नोट कर चुके हैं करेक्ट बीरड रीडिंग जो है वो हमारे पास हमने ऑब्जर्व कर ली और जो करेक्ट बीरड रीडिंग के मुताबिक ठीक ठीक जो हमने बीरियड रीडिंग्स नोट की हैं उसके मुताबिक जो सिमिलर रीडिंग्स आ रही हैं वो हैं 7.3 पॉइंट थ्री यानी टेन एम एल सल्फ्योरिक एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जो बेस के का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है दैट इज़ 7.3 पॉइंट थ्री ऑब्जेक्ट के मुताबिक कुछ चीज़ें और जो है नोट करते हैं बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी क्या है जीरो पॉइंट वन वन पॉइंट टेन नॉर्मल सोल्यूशन या जीरो पॉइंट वन नॉर्मल सोल्यूशन हम इसे कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने ब्यूरिट में लिया था और ब्यूरिट की रीडिंग क्या आ रही है हमारे पास सेवन पॉइंट थ्री एम एल ठीक है सेवन पॉइंट थ्री एम एल जो हम नोट करेंगे हमें सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है और अमाउंट भी फाइंड करना है सो नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज अनोन सल्फ्यूरिक एसिड का हमने इस्तेमाल जो किया है हर रीडिंग नोट करने के लिए टेन एम जो है वो हमने इस्तेमाल किया है सो सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम क्या रहेगा टेन एम रहेगा सो so, ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हमने कंकॉर्डेंट रीडिंग जो है वो नोट करना था कनकॉर्डेंट रीडिंग के बाद जो है वो नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड क्या थी है हमारे पास जीरो पॉइंट वन नॉर्मल सोल्यूशन इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कंकॉर्डेंट रीडिंग है दैट विल बी नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है फाइंड करना है जिसे हम एन टू सपोज कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बी टू हमने कितना जो है वो नोट किया है दैट इज़ टेन पॉइंट जीरो एम एस और इसी तरह से हम मॉलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की जो है वो हमें जरूरत पड़ेगी फॉर कैलकुलेशन परपज़ दैट इज़ नाइनटी एट इक्वलन वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को कैलकुलेट करने के लिए मॉलिकुलर मास ज़रूरी था इक्वलन वेट जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा सल्फ्यूरिक एसिड के हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद है टू तो मॉलिक्यूलर मास को जैसे ही हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टू से डिवाइड करेंगे 98 डिवाइडेड बाय टू दैट विल बी इक्वल टू 49 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 49 रिमेंबर दैट द कॉनकॉर्डेंट रीडिंग फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशन इज 7.3 ml तो यहां तक हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि देयर आर

ओके ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मेलिटी या जो सॉरी वॉल्यूम या जैसे हम V1 कह रहे हैं दैट विल बी द कंकॉर्डेंट रीडिंग ओके कैलकुलेशंस में सबसे पहले जो हम इस्तेमाल करेंगे दैट विल दर्मूला एन टू वी टू इज इक्वल टू एन वन वी वन अब एन टू वी टू की वैल्यूज जो है वो हमने ऑब्जर्वेशन से ही जो है वो यहाँ पर पुट करनी है एन टू तो हमें फाइंड करना है एन टू पर हम अरेंज कर लेंगे इक्वेशन को तो वी टू जो है वो डिवाइड में चला जाएगा एन वन और वी वन के एन वन की वैल्यू जीरो पॉइंट वन नॉर्मल था कंकॉर्डेंट रीडिंग की वैल्यू जो है वो वी वन यानी वॉल्यूम ऑफ बेस दैट इज सेवन पॉइंट थ्री और वी टू की वैल्यू हमारे पास है टेन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो जो है वो वॉल्यूम वी टू है सल्फ्यूरिक एसिड का टेन पॉइंट जीरो सेंटीमीटर क्यूब्स इसी तरीके से जो हमारे पास कंकोर्डेंट रीडिंग है दैट इज सेवन पॉइंट थ्री वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे सो जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट थ्री बाई जीरो एंड आंसर विल बी जीरो पॉइंट जीरो सेवन थ्री नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी हमारे पास आ गई है जीरो पॉइंट जीरो सल्फ्यूरिक एसिड की नॉर्मेलिटी हमने कैलकुलेट कर ली अब दूसरा टास्क सल्फ्यूरिक एसिड की जो अमाउंट को फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्ट में मेंशन किया गया है कि ग्राम पर 900 सेंटीमीटर क्यूब्स जो है वो अमाउंट कैलकुलेट करना है अच्छा जब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब्स में मौजूद हो तो हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर वन में ये चीज नोट कर ली है कि अमाउंट को कैलकुलेट करने के दो फार्मूलाज थे उनमें से एक फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वॉलीम जो मैंशन है टू कैलकुलेट दी अमाउंट सो वो वॉल्यूम है नाइन हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब्स तो इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी अच्छा तमाम चीज़ें जो है नोट कर लें नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एन की वैल्यू जो है वो हमें पता है दैट इज जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन थ्री नॉर्मल जो हम यहाँ कर देंगे uh, acid, अभी हमने ऑब्जर्वेशन में नोट किया दैट इज फोर्टी नाइन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नाइन हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में हमें सल्फ्योरिक uh, एसिड का अमाउंट कैलकुलेट करना है वी हैव टू फाइंड दी अमाउंट ऑफ सल्फ्योरिक एसिड इन ग्राम पर नाइन हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब डेट वॉज मैं इन अवर ऑब्जेक्ट सो नाइन हंड्रेड यहाँ पर पुट कर दिया अब सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मेलिटी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है दैट इज जीरो पॉइंट जीरो सेवन थ्री इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया थाउजेंड से जो है वो डिवाइड कर देंगे एंड सल्फ्योरिक एसिड का अमाउंट क्या आ गया थ्री पॉइंट टू वन नाइन थ्री ग्राम पर नाइन हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब सल्फ्योरिकसिड का अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया इसी तरह से हमारे पास जो रिजल्ट हम ये कहेंगे कि भाई नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमने राइट कर देना है जीरो पॉइंट जीरो सेवन थ्री और अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ग्राम्स पर नाइन हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब हमने राइट कर देना है थ्री पॉइंट टू वन नाइन थ्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब्स ये यूनिट भी हम यहाँ पर मैंशन कर देंगे सो दिस इज दी एंड ऑफ दी प्रैक्टिकल और ये आपने जो है वो थ्यूरी इक्वेशन प्रोसीजर लिख लिया फिर उसके बाद जो है वो आपने कर ली और भी कर दिया। इस तरह से जो है आपका अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाई अगर हमें नेक्स्ट किसी टर्न में जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो करने हों तो एक्सपेरिमेंट नंबर वन जो था हमारे पास एसिड बेस्ट्रेशन से रिलेट करता था और उस एसिड बेस टाइड्रेशन में जब हम नोट करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था उसके मुताबिक स्ट्रॉन्ग बेस हमने इस्तेमाल करना था सोडियम हाइड्रोक्साइड तो तो फिनोफलिन वॉजा सुटेबल इंडिकेटर इसी तरह से अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो है परफॉर्म करें जिसमें हमें वीक uh, बेस जो है वो मैंशन किया जाए तो हमें मिथाइल ऑरेंज जो है वो इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ेगा सो so, ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स मैंशन हैं जिसमें बेस जो है वो क्या होगा दैट विल बी अ वीक बेस अच्छा जो एक्सपेरिमेंट नंबर वन है उसको कंप्लीट करने के बाद चाहे आप फिनॉफ्थीन इंडिकेटर के तौर तो पर इस्तेमाल कर रहे हो अपने एक्सपेरिमेंट में या एक्सपेरिमेंट नंबर वन जो आपको आपकी शिफ्ट में यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना डिफरेंट शिफ्ट्स में आएंगे तो हर स्टूडेंट को डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए मिल सकते हैं तो इन देयर एक्सपेरिमेंट दे कैन यूज दे विल बी यूजिंग फिनॉफ्थिलीन इफ़ देयर ऑब्जेक्ट कंटेन्स अ स्ट्रॉग बेस और इन अनदर शिफ्ट दी स्टूडेंट्स हैव टू यूज मिथाइल ऑरेंज और उनके ऑब्जेक्ट में यकीन अ वीक बेस जो है वो मैंशन uh, किया होगा अच्छा इसके साथ साथ उन्हें एक्सपेरिमेंट नंबर टू एलिमेंट डिटेक्शन भी परफॉर्म करना होगी दिस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज़ एक्सपेरिमेंट नंबर टू अच्छा हम नेक्स्ट जो है वो नोट करते हैं कि अगर किसी शिफ्ट में स्टूडेंट्स को ये मेंशन किया जाए कि दैट यू आर गिवन एन अपॉन सेवन सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट इज अ वीक बेस, ये हम अपने लेक्चर नंबर वन से नोट कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट इज अ वीक बेस, और इस सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन को हमने करना है न्यूट्रलाइज़ विद दी हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और फिर ये कहा गया है कि विद दी हेल्प ऑफ एन अपॉन सेवन सोडियम कार्बोनेट सोलूशन फाइंड आउट दी नॉर्मैलिटी एंड अमाउंट ऑफ सल्फ्यूशन शिफ्ट में जो है, वो दिया जा सकता है। so purpose, हमने इस तरह का एक्सपेरिमेंट भी जो है चूज कर लिया कि भाई जिसमें हमारे पास एक वीक बेस जो है वो मौजूद है सोडियम कार्बोनेट चलेटिस जो कि टाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल होंगे वो हमेशा सिमिलर ही रहते हैं वो हमारे पास हो गया पैपेट कॉनिकल फ्लास्क और फनल जो है वो कह लें इसी तरह से ब्यूरिट स्टैंड भी जो है आपको आ, मिल जाएगा और क्लैम्प वगैरह भी रिएजेंट्स कौन कौन से होने चाहिए ऑब्जेक्ट जैसे कि मेंशन है उसमें बेस का सोल्यूशन जो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है तो जो आपको आपकी टर्न में यानी इफ यू आर गिवन दिस ऑब्जेक्ट सो बेस का सोल्यूशन जो बॉटल नंबर बी में होगा बॉटल बी में होगा वो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन होगा और उसकी नॉर्मेलिटी एनापॉन् सेवन होगी राइट इसी तरीके से हम जब सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा और वो बॉटल ए में मौजूद होगा और साथ साथ ये नोट करें कि आपके लैबॉट्री में मिथाइल ऑरेंज भी इंडिकेटर के तौर पर मौजूद होगा राइट सो so, हम अपने एक्सपेरिमेंट में जब हम इस ऑब्जेक्ट को नोट करेंगे जब हमारा एग्ज़ाम डे हो तो उसमें हमें सोडियम कार्बोनेट को देखते ही ये समझ लेना चाहिए कि भाई अच्छा जो गिवन ऑब्जेक्ट सर ने आज दिया है वो सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर चलिए अब इसके बाद जो है हम थ्योरी की तरफ से बढ़ते हैं थ्योरी विल बी दी एसिड बेस थ्योरी और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी जिसे हम कह सकते हैं वही न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन हमने राइट करनी है uh, base, uh, OH will, uh, to to इसी तरीके से इंडिकेटर जो है वो हमने डिटेल में ही डिस्कस कर लिया

मिथाइल uh, ऑरेंज का कलर एसिडिक सोल्यूशन में ऑरेंज uh, हो जाता है या रेड कलर हम उसे कह सकते हैं सो फ्रॉम येलो टू ऑरेंज जैसे ही कलर चेंज हो हम कह सकते हैं एंड पॉइंट हम ऑब्जर्व करेंगे इक्वेशन क्या है हमारे पास इक्वेशन विल बी सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है कार्बोनेट्स जो है वो जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और साथ साथ जो है वो यकीन रिस्पेक्टिव सॉल्ट फॉर्म होगा सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड से सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो फॉर्म होता है प्रोसीजर वॉश दी एपट विद वाटर बियड को हमने रिंस करना है सल्फ्यूरिक एसिड से और पेपिट को रिंस करना है सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन से पिपिट की मदद से हम सोडियम कार्बोनेट यानी बेस के सोलूशन को पेपिट आउट करेंगे और उसे डिस्कार्ड uh, कर देंगे बेरड को जो है वो रिंस करने का पर्पज़ ये होगा कि भाई हमें जो एसिड का सोलूशन दिया गया है अब चूँकि हमारे पास वीक बेस सोडियम कार्बोनेट है और स्ट्रॉग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जो है मैंशन कर दिया गया तो वीक बेस जब भी हो हमें बेस को कॉनिकल फ्लास्क में लेना है विद दी हेल्प ऑफ पिपिट इसी तरीके से हम एसिड के सोल्यूशन को फनल की मदद से ब्योरिड में फिल कर लेंगे पहले थोड़ा सा टू या थ्री एम हमने फनल की मदद से ब्यूरिड में फिल करना है और उससे हमने क्या करना है स्टॉप कॉक की मदद से सिंक में डिस्कार्ड कर देना है ये ब्यूरिट रेंस हो गया ब्यूरिड को रेंस करने के बाद हमने ये करना है कि एसिड का सोलूशन जो है फनल uh, की मदद से ब्यूरेट में फिल कर लेंगे और फिर ब्यूरेट को सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन से फिल करने के बाद वी हैव टू पिपेट आउट टेन सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ दी सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन सो जो बेस का सोल्यूशन है वो हम पिपेट की मदद से पिपेट आउट करेंगे और टेन एम एल जो है वो हमने क्रॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर देना है टेन एम एल जैसे ही हम ऐड करेंगे उसमें हमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे हम चूंकि सोडियम कार्बोनेट इज अ वीक बेस ड्रॉपर की मदद से टू ड्रॉप्स हमने मिथाइल ऑरेंज टेन सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ दी सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन जैसे ही हम ऐड करेंगे तो जो कॉनिकल प्लास्क है उसके सल्यूशन का कलर हो जाएगा येलो मिथाइल ऑरेंज बेसिक सोल्यूशन क्या लें या वीक बेसिक सोल्यूशन उसमें मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो रहता है ठीक है सो so, इस तरह से हमने टेनमेल बेस और टू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दिया वी हैव टू टेक दायलट रीडिंग तो पायलट रीडिंग जो है किस तरह से है इनिशियली जीरो पॉइंट जीरो पर हमारे पास एसिड का सोल्यूशन जो है वो ब्यूरिट में मौजूद है जीरो पॉइंट जीरो एम एल तक तो इनिशियल रीडिंग हो गई इसी तरह से हम क्या करेंगे वन वन सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ दी एसिड सोल्यूशन को हम कॉर्निकल फ्लास्क में एड करते चले जाएँगे कॉर्निकल फ्लास्क में जो सोल्यूशन है दैट इज दोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अवीक बेस उसमें मिथाल ऑरेंज इंडिकेटर है तो उसका कलर है येलो एसिड के सोल्यूशन को ऐड करते ही यकीन एक ऐसा जो है वो पॉइंट आएगा जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल नाइन या टेन एम एल के दरमियान नाइन या टेन एम एल के दरमियान जो है वो क्या होगा नाइन एम एल तक जो कॉनिकल फ्लास्क है उसका कलर येलो रहेगा जैसे ही हम टेन एम एल ऐड करेंगे कॉनिकल फ़्लास्क के सल्यूशन का कलर येलो से रेड या ऑरेंज जो है वो ऑब्ज़र्व होगा तो हमने ये नोट कर लेना है हमारी पायलट रीडिंग क्या आ रही है बिटवीन सेवन टू सॉरी बिटवीन नाइन टू टेन एम एल्स आ रही है दिस मीन्स जो हमारी अब रीडिंग्स हम एहतियात से नोट करेंगे वो हमें पता है कि हमारी रीडिंग्स नाइन या टेन के दरमियान आने वाली है ब्यूरोड रीडिंग दिस विल बी द फाइनल रीडिंग जिस जहां पर कलर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो चेंज होकर क्या हो जाए ऑरेंज कलर का हो जाए ठीक है तो इस तरह से इनिशियल और फाइनल रीडिंग हमने पायलट रीडिंग के लिए नोट कर ली पायलट रीडिंग को जो है वो हमें अपने एक्सपेरिमेंट या एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है डिस्कार्ड कर देंगे हम वो सोल्यूशन जिसमें ऑरेंज कलर का सोल्यूशन बन गया इस सोल्यूशन को डिस्कार्ड करने के बाद हमें अपनी ऑरिजिनल रीडिंग्स जो है वो अब नोट करनी है वी हैव टू पिपेट आउट दी सेम टेन सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ दल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट आफ्टर डिस्कार द ऑरेंज सल्यूशन जो पायलट रीडिंग के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया अब फिर से दोबारा जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में टेन एम सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन ऐड किया उसमें टू ऑफ फिनॉफेलिन इंडिकेटर ऐड किया आफ्टर दी एडिशन वी हैव टू रन दी एसिड सोल्यूशन सबसे पहले जो हम ये करते हैं कि जो एसिड का सोलूशन पायलट रीडिंग के लिए हमने इस्तेमाल कर लिया था उसको दोबारा ज़ीरो तक जो है वो क्या करेंगे हम मार्क कर लेंगे ज़ीरो तक जो है दोबारा मेकअप कर लेंगे विद दी हेल्प ऑफ दी गिवन एसिड सोल्यूशन बॉटल ए में मौजूद होगा हमारे पास बॉटल बी से टेन सेंटीमीटर क्यूब जो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है उसमें टेन एम एल टिप्ट आउट करना है उसमें से कॉनिकल फ्लास्क में लेना है टू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर ऐड करना है और फिर हम ऐड करना शुरू करेंगे एसिड के सोल्यूशन को फ्रॉम द ब्यूरेड इन टू द क्रॉनिकल फ्लास्क तो सेम प्रोसेस जो है वो हमने क्या करना है आ, ये हमारा कह लीजिए सीरियल नंबर वन हो गया रीडिंग का सीरियल नंबर नम्ब, सीरियल नंबर वन फर्स्ट रीडिंग्स जो है वो हम नोट कर रहे हैं तो उसमें इनिशियली क्या था इनिशियली जीरो पॉइंट जीरो तक हमने फिल करके रखा हुआ है फिर से हमारे पास जो टेन सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ द बेस सोल्यूशन और से सो मिथाइल ऑरेंज है तो वो येलो कलर का सोल्यूशन होगा इनिशियली हम ब्यूरिट से जो है वो एसिड का सोल्यूशन ऐड करते चले जाएंगे इनिशियल रीडिंग हमने नोट कर लिया जीरो पॉइंट जीरो एम एल तो जैसे ही कलर नाइन पॉइंट फाइव या नाइन पॉइंट सिक्स एम एल नाइन एम एल तक जो है वो हम ब्योरिट से वॉल्यूम ऐड कर चुके हैं नाइन पॉइंट वन नाइन पॉइंट टू अब हम ड्रॉप वाइज जो है वो सोल्यूशन ऐड करेंगे जैसे ही ड्रॉप वाइज सोल्यूशन ऐड करते हैं से फॉर एग्ज़ाम्पल नाइन पॉइंट सिक्स एम एल जैसे ही हमने ड्रॉप ड्रॉप ऐड किए ड्रॉप वाइज वैसे ही कलर ऑफ दी सोल्यूशन येलो से जो है वो क्या हो गया है ऑरेंज हो गया है तो हमने फाइनल रीडिंग नोट कर लेनी है जैसे ही कलर चेंज हो जाए फ्रॉम येलो टू ऑरेंज फ्रॉम येलो टू ऑरेंज वी हैव टू नोट दी फाइनल रीडिंग और ब्यूरिड से जो है वो हम जो एडिशन थी यानी ब्यूरिट से जो ऐड कर रहे थे वो एडिशन हमने क्या कर देनी है नेक्स्ट स्टेज जो हमारा होगा उसमें हमने उसे स्टॉप कर देना है जैसे ही कॉनिकल uh, फ्लास्क के सोल्यूशन का जो कलर है वो हो जाए ऑरेंज अच्छा ये हमने दो तस्वीरें तो इस्तेमाल करनी हैं वी हैव टू यूज़ दैट बिकॉज पहले जो है इनिशियली क्या था येलो कलर था येलो कलर यहीं पर ही जो है क्या हो जाना चाहिए ऑरेंज कलर का हो जाएगा और यकीन हमारी रीडिंग जो है फ़ाइनल रीडिंग ये ऑब्ज़र्व हो जाएगी यहाँ पर सो फाइनल रीडिंग विल बी नाइन पॉइंट सिक्स एम्बल्स फॉर से फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरेंज कलर हमें ऑब्ज़र्व होगा ये इस तरह से फिर हम इस सोलूशन को डिस्कार्ड करेंगे और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट थ्री रीडिंग्स या टू रीडिंग्स नोट करनी है जब तक हमारे पास कनकॉर्डेंट रीडिंग वी हैव टू यूज रीडिंग एटलीस्ट आने चाहिए हमने लिख दिया है, को किस तरह से सबसे पहले हमने जब रीडिंग्स uh, नोट करना शुरू की थी वी हैव टेकड इन टू द कॉनिक इंटू दी ब्योरिट और सोडियम कार्बोनेट जो कि वीक बेस का सोलूशन है उसे हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया उसे मिथाइल ऑरेंज जो है वह ऐड किया मिथाइल ऑरेंज को ऐड करते वक्त जो है वो हमारे पास ब्योरड रीडिंग थी जीरो पॉइंट जीरो जीरो और मिथाइल ऑरेंज जैसे ही कॉनिकल फ्लास्क में मौजूद टेन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दी सोलूशन में एड किया कॉनिकल फ्लास्क के सोल्यूशन का कलर येलो था येलो कलर में हमने uh, येलो कलर वाले सोल्यूशन में हमने सल्फेरिक एसिड का सोल्यूशन ऐड करना शुरू किया और जैसे ही वैल्यू ब्यूरिड की 9.6 पॉइंट सिक्स एम एल्स ड्रॉप वाइज हमने ऐड किए तो 9.6 पॉइंट सिक्स एम एल पर जाकर के कॉनिकल फ्लास्क के सोल्यूशन का कलर येलो से ऑरेंज हो गया अच्छा तो हमने फाइनल रीडिंग नोट कर लेनी है चूँकि चेंज ऑफ कलर का मकसद एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन हमने ऑब्जर्व कर लिया है और एंड पॉइंट पर जो फाइनल रीडिंग है दैट वाज 9.6 पॉइंट फॉर एग्जांपल अच्छा इसके बाद जो है वो हमने क्या करना है कॉनिकल फास्ट के सोल्यूशन को डिस्कार्ड कर देना है और फिर से जो है वो हमने उसमें 10 एम एल फ्रेश सोडियम कार्बोनेट वीक बेस का सोल्यूशन लेना है और उसमें और ऑरेंज ऐड करना है उस कलर उससे सोल्यूशन का कलर येलो हो जाएगा और हम फिर से दोबारा उसमें एसिड का सोल्यूशन ऐड करेंगे एसिड का सोलूशन जैसे हम ब्यूरोड से ऐड करेंगे हमारी इनिशियल रीडिंग जो एक्सपेरिमेंट नंबर टू के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी नाइन पॉइंट सिक्स एम एल्स हो जाएगी ये तीन या चार जो है वो हम बार बार जो है वो परफॉर्मेंस करते हैं सो so, अभी जो है वो हमने नोट किया कि भाई नाइन पॉइंट सिक्स एम एल्स जो है वो इनिशियल रीडिंग है और जैसे ही हम ऐड करते चले जाएँगे कॉनिकल फ्लास्क में सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन को तो कॉनिकल फ्लास्क के सोल्यूशन का कलर जैसे ही ऑरेंज होगा फ्रॉम फ्राम येलो कलर सो फॉर एग्जांपल उस वक्त हमारी रीडिंग आ जाएगी 19.2 पॉइंट इसी तरह से हम फिर फाइनल रीडिंग जो है वो नोट कर लेंगे चूंकि कॉनिकल फ्लास्क के सॉल्यूशन का कलर जैसे ही येलो से ऑरेंज होगा ठीक है एहतियात से हमें ऐड करना है ताकि जो है वो ज्यादा वॉल्यूम हम इस्तेमाल ना करें एसिड का फ्राम बीरिड तो नाइन पॉइंटीन पॉइंट रीडिंग फिर से हमें कॉर्निकल फ्लास्क के जो सोलूशन को डिस्कार्ड कर देना है और उसमें फ्रेश सोल्यूशन जो है वो तीसरे जो है वो कह लीजिए तीसरी दफ़ा हम जो है वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो तीसरे एक्सपेरिमेंट या तीसरी दफ़ा जो हम परफॉर्मेंस करेंगे उसमें हमारे पास क्या होगा फिर से हमें टेन एम जो है वो सोडियम कार्बोनेट का सोलूशन लेना है कॉर्निकल फ्लास्क को वाटर से वॉश करने के बाद ठीक है अच्छा टेन एम सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन उसमें हमने दो ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज ऐड किया येलो कलर का सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा उसमें फिर से हमने क्या करना है ब्यूरिट में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है, शुरू करना है। तो ब्यूरिट से जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे कॉर्निकल फ्लास्क में उस वक्त जो हमारी इनिशियल रीडिंग होगी नाइनटीन पॉइंट और जैसे ही कॉर्निकल फ्लास्क का सोल्यूशन का कलर येलो से ऑरेंज हो जाएगा तो हमने नोट करना है कि जो हमारे पास ब्यूर रीडिंग होगी दैट विल बी अवर फाइनल रीडिंग और से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो रीडिंग आ जाएगी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन एम ठीक है तो यू इस तरह से दैट विल बी आवर फाइनल रीडिंग तो यू हम तीन दफ़ा जो है वो इस प्रोसीजर को रिपीट करते हैं और तीन ऑब्जरवेशन नोट करते हैं इनिशियल रीडिंग फाइनल रीडिंग फॉर द फर्स्ट प्रोसीजर फिर सोल्यूशन को डिस्कार्ड करने के बाद नया टेन एम एल सोडियम कार्बोनेट का सोलूशन लेना है और फिर से जो है वो नाइन पॉइंट सिक्स एम एल और फिर नाइनटीन पॉइंट टू एम एल जब येलो कलर का सोलूशन ऑरेंज हो जाएगा तो तीन दफ़ा जो है वो इस तरह से हम रीडिंग्स नोट करते हैं चलें ये तीनों रीडिंग्स जैसे ही नोट कर ली उसके बाद जो हमने क्या करना है फाइनल रीडिंग एक्सपेरिमेंट नंबर वन या सीरियल नंबर वन के फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग 9.6 में से 0.0 को माइनस करोगे तो डिफरेंस वैल्यू क्या आ जाएगी 9.6 पॉइंट सिक्स इसी तरीके से सेकंड एक्सपेरिमेंट या सेकंड सीरियल जो है वो हमारे पास 19.2 फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग 9.6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नाइन सिक्स एम एल्स तो ये दो सिमिलर रीडिंग्स नाइन पॉइंट सिक्स एम एल्स आ चुकी हैं तो हम ये कहेंगे कि दैट विल बी अवर कंकॉडेंट रीडिंग तीसरी रीडिंग जो है वो हम नोट करते हैं ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन जो है वो फाइनल रीडिंग थी उस थर्ड uh, एक्सपेरिमेंट या तीसरी दफ़ा जो हमने प्रोसेस प्रोसीजर जो है वो किया था तो ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन माइनस नाइनटीन पॉइंट टू ये वैल्यू जो है वो बन जाएगी नाइन पॉइंट सेवन एम एल सो कंकॉर्डेंट रीडिंग विल बी नाइन पॉइंट दिस विल बी नाइन पॉइंट सिक्स एम एल ऑफ दू एस ए फोर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज देंटीमीटर क्यूब ऑफ दोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन ओके द नेक्स्ट ऑब्जरवेशन कॉलम्स की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कंकॉर्डेंट रीडिंग वी टू जो है वो नाइन पॉइंट सिक्स एम एल्स आ गई और जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसकी नॉर्मेलिटी मेंशन थी दैट वाज एन अपवन इसे हम एन वन सपोज़ कर लेते हैं जो भी सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी हमें पता हो हम उसे एन वन सपोज़ कर लेंगे और हमें पता है कि सोडियम कार्बोनेट के हमने टेन एम जो है वो पिपिट आउट किए थे तो सोडियम कार्बोनेट का वॉल्यूम क्या रहना चाहिए टेन एम रहना चाहिए फोर ईच रीडिंग जो हमने नोट किए हैं सो टेन एम सोडियम कार्बोनेट एन की वैल्यू जीरो so, और V1 की वैल्यू 10 mL एल नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज N2 और ये हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट में भी ये मेंशन था कनकॉर्डेंट रीडिंग जो है वो हमने नोट कर लिया दैट इज़ 9.6 पॉइंट सिक्स एम एल चूंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ब्यूरिट से ही मालूम होता है दैट इज़ नाइन पॉइंट सिक्स एम एल मॉलिक्युलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नाइन्टी एट होगा इक्वलन वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फोर्टी नाइन जो है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे अच्छा आ, बात यह है कि हमारे पास वैल्यू क्या है जो हमने नोट कर ली सो so, जो होगी हमारी वॉल्यूम ऑफ एसिड वी टू ओके अच्छा ये हमने नोट कर लिया अब इसके बाद हम कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं कैलकुलेशन में सिंपल जो है वो फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं फार्मूलाजे वो एन वन वी वन इक्वल टू एन टू वी टू और एन वन की वैल्यू जीरो पॉइंट वन फोर थ्री यानी एन अपॉन सेवन और जो हमने सोडियम uh, कार्बोनेट का वॉल्यूम इस्तेमाल किया था दैट वाज टेन पॉइंट जीरो एम एल और सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड की जो वॉल्यूम था दैट वाज दी रीडिंग फ्रॉम दी ब्यूरेट और उसकी वैल्यू हमारे पास नाइन पॉइंट सिक्स एम थी तो ज़ीरो पॉइंट वन फोर थ्री ओके okay, और फिर ये टेन पॉइंट जीरो टेन पॉइंट जीरो और इसे हमें डिवाइड कर देना है नाइन पॉइंट सिक्स से जो नॉर्मेलिटी की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा उस नॉर्मेलिटी को हम अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूले में पुट कर देंगे रिमेंबर वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ग्राम्स पर 0.8 पॉइंट एट डेसीमीटर क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट हमें किसने फाइंड करना है ग्राम्स पर 0.8 पॉइंट एट डेसीमीटर क्यूब्स जो के ऑब्जेक्ट में मैंशन है सो so, हमें जो सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम यानी जो वॉल्यूम मेंशन किया गया है दैट इज़ 0.8 पॉइंट एट क्यूब तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे नॉर्मेलिटी मट्टीप्लाइड बाय इक्वल एंड वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब्स दैट इज़ जीरो पॉइंट एट डेसीमीटर क्यूब नॉर्मेलिटी की वैल्यू जो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगी सल्फ्यूरिक एसिड की वो हमने यहाँ पर पुट करनी है और अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड कर लेना है और इन्हीं दोनों को हमने एज अ रिजल्ट जो है वो क्या करना है राइट right भी करना है नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो यहाँ मैंशन कर दी गई वो हम यहाँ लिख देंगे इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कैलकुलेट होकर आएगा उसे हमने पुट कर देना है अपने रिजल्ट में दैट विल बी द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ग्राम पर एट ज़ीरो पॉइंट एट डेसीमीटर क्यूब्स होपफुल के ये वीडियो लेक्चर भी आपको एक्सपेरिमेंट्स के समझने में हेल्प करेगा पहला जो ऑब्जेक्ट था उसमें हमने स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल किया था तो उसमें हमने फनाफ्थिलीन को इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया दूसरा जो ऑब्जेक्ट हमने अभी पढ़ा है उसमें वीक बेस को जो है वो इस्तेमाल किया है, मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर इंशाल्लाह शाह अपने नेक्स्ट uh, वीडियो में रॉक uh, स्टाइट्रेशन और एलिमेंट डिटेक्शन और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी जो है हम जिक्र कर लेंगे तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज